जब हम हीलिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये एक वात रोग है, तो वात रोग के जितने भी अल्फाबेट्स हैं, अ आ ह श क च ट त प अ आ ह श क च ट थ प, वो ग्रिड में जो दे रखे हैं 9 अल्फाबेट्स, इन 9 के 9 अल्फाबेट्स से कनेक्टेड जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सबको क्लीन करेंगे। जैसे वायु तत्व जो है वो हमारे लंग से कनेक्टेड है, ब्रेन में वो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है उससे कनेक्टेड होता है, जो माथा वाला जो एरिया होता है, माथे का जो एरिया फोरहेड, होता है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। जिसको फ्रंटल लोब्स भी बोलते हैं ना। हाँ, फ्रंटल लोब, मतलब वही प्री फ्रंटल लोब। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे का जो माथा होता है उसको हम आइडेंटिफाई करने के तौर पे, तो हमारा पूरा फ्रंटल लोब जो है वो एयर एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, हमारा लंग्स, हमारा स्पीच, हमारे दोनों हैंड्स का मूवमेंट, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स, क च ट त प करेंगे तो का मेरा राइट शोल्डर, च मेरा लेफ्ट शोल्डर, ट मेरा राइट हिप जॉइंट, त मेरा लेफ्ट हिप जॉइंट, और प मेरा बैकबोन। फिर हाथ और पैरों की फिंगर्स को लेकर चलेंगे तो लिटिल फिंगर ऑफ बोथ हैंड्स एंड फीट, इन सबको क्लीन करना चाहिए बाय डिफॉल्ट। तो जब हम इन सबको क्लीन करते हैं और फिर वो क्लीनिंग करते हुए, तो इमेजिन करना है वही हमारे 72 करोड़ हाथ हैं और हम उनसे उस पूरे बॉडी के वायु तत्व को क्लीन कर रहे हैं, तो वायु तत्व रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं वो सब रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जैसे मैं बोलता हूं तो बोलने में हवा मुंह से बाहर निकलती है तो वायु तत्व इन्वॉल्व हो गया। थिंकिंग मेरे स्काई एलिमेंट से आएगी, स्पीच मेरे एयर एलिमेंट से ट्रिगर होगी। तो जब भी किसी व्यक्ति को पैरालिसिस अटैक पड़ेगा सबसे पहले उसकी जीभ ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो जब हम उसको पेशेंट को क्लीन करेंगे तो पूरा क्लीन करने में ये सारी चीजें, उसके जितने भी डीप पैरालिसिस के जो इम्पैक्ट होते हैं, राइट साइड पैरालिसिस हो जाएगा या लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाएगा, वो एकदम से जो है वो इम्पैक्ट कर जाता है। तो ठीक है जी। अगर हमें कोई रोग भी नहीं है तो हम अपना डीप क्लीनिंग करें और अपने आप ये ऊर्जा उठा के खुद में ही डालें, तो वो प्रैक्टिकल के देखिए, लिए भी ठीक रहेगा। वो जो हीलर है हाँ उसको सबसे पहले अपनी अपनी फैमिली की, अपने घर के वास्तु पुरुष की, इनकी तो बाय डिफॉल्ट रोज हीलिंग करनी चाहिए। नहीं, हीलिंग का तो ठीक है, वो तो आपने बता रखा है, लेकिन क्लीनिंग के लिए पूछ रहा हूं मैं कि जैसे मान ले हाँ, आपने मतलब बताया कि इनकी डीप क्लीनिंग क्लीनिंग और करें तो हीलिंग सबसे एक ही पहले। चीज है अच्छा बाय ठीक, स्ट्रक्चर, क्लीनिंग और हीलिंग एक ही चीज है। आप पहले क्लीन करते हैं फिर हाँ हील करते हैं, ठीक है सर। तो बाय डिफॉल्ट आपको जो है वो क्लीनिंग करनी ही करनी है। अपनी तो सबसे पहले कीजिए, क्योंकि मतलब जैसे आप पेशेंट देखते हैं और रोज के रोज 10 20 50 100 पेशेंट देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आप हीलिंग नहीं करते तो वो चीज आपसे कनेक्ट नहीं होगी, 100% कनेक्ट होगी। मेरे गुरुजी तो इतने सेंसिटिव थे, वो क्या करते थे, वो शाम को रोगी देखने के बाद अपना जो कक्ष होता था उसमें वो 1 घंटे के लिए वॉक करने जाते थे। मान लीजिए वो 6 से 7 वॉक कर रहे हैं, नॉर्मली वो 1.5 घंटा रोज वॉक करते थे, जीवन के आखिरी दिन तक वो 1.5 घंटा वॉक करते थे। तो जितनी देर वो अपने कक्ष से बाहर होते थे, वो जिसमें उनको अपने रोगियों को देखते थे, उतनी देर वहां पे गूगल लोबान का धुआं पूरे कमरे में भरा जाता था। मैं उनसे पूछता था कि ये आप जो है पूरे कमरे में धुआं क्यों भरवा देते हैं,
वो कहते थे बेटा ये देखो यहाँ पे ये कारपेट लग रहा है, इस पे रोगी आके बैठता है। अब वो अपने हाथ को रोगी बार बार मुंह से इधर से उधर से कहाँ कहाँ टच करता है और फिर वो मेरे कारपेट पे लगा देता है। तो ये जो गूगल लोबान का धुआं जो है वो इस कारपेट के लेवल तक भी क्लीन कर देता है। तो मुझे वो पॉइंट समझ में आया कि मैंने कहा देखो ये क्लीनिंग का महत्व तो कितना समझते हैं, मुझे नहीं पता था। बोले हाँ तो जितने सुबह में भी ये तो सर्फ और डिटॉल होते हैं ये इनका कोई काम नहीं होता, ये बेकार होते हैं। नहीं, बोले जो ये गूगल लोबान होता है ये कीटाणुओं को खत्म कर देता है। सुबह में तो उसको जाके हम गूगल तमिलनाडु में लोबान सांबरानी जलाता है, लेकिन बोलते रात हैं को नहीं एक्चुअली। जलाता, अब रात को और शुरू करेंगे। हाँ तो वो जो लेकिन वो आपका करते कक्ष हैं, है उसमें जब आप धुआं धुनी के तौर पे वो धुआं करते हैं तो वो क्या करते थे, उनके पास एक पात्र था उसमें वो जलते हुए कोयले रखते थे, उसके ऊपर वो गूगल लोबान का एक मिक्सचर डालते थे और उससे वो लड़का जो है वो पंखा करता रहता था और पूरे कमरे में धुआं भर देता था। बाद में वो एक साइड में रख देता था उसको ताकि धुआं निकलता रहे कमरे में, 1 घंटे पूरा कमरे में धुआं भरा रहता था। तो एक तो जब वो दोबारा आके कमरे में बैठते थे या कोई भी व्यक्ति दोबारा आके बैठता था, वो व्यक्ति का जो श्वास जो होती थी उसमें सुगंध जाती थी। हाँ, तो ऐसे करके मुझे वो पूरी प्रक्रिया पता चली कि अच्छा इन इन चीजों से ये पार्ट हमारा ऐसे रिलैक्स होता है। सुगंध के रूप में ही हम अभी कर पा रहे थे, लेकिन वो क्लीनिंग के एस्पेक्ट पे नहीं सोचा था। अभी रात शाम को जब निकलेंगे तो वो क्लीनिंग करके निकलेंगे। हाँ तो मतलब कहने का मेरा एस्पेक्ट ये है कि एक चिकित्सक को या एक हीलर को सबसे ज्यादा क्लीनिंग की आवश्यकता होती है, नहीं तो आप जिस बीमारी को भी ज्यादा से ज्यादा रोगों को देख रहे हैं वो आपके घर के आसपास या उसमें ही दिखनी शुरू हो जाएगी सिम्टोमेटिकली। आप 4 दिन जो है वो किडनी के रोगियों को देखना शुरू कर दीजिए, 5वें दिन आपको भी जो है वो पेशाब करते करते चुभन महसूस होगी। सही बात है। तो ये जो चीज महसूस होती है वो क्लीनिंग करने से चली जाती है।